हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त पनीर मखाने की सब्जी की रेसिपी। आपने इस सब्जी को अधिकतर शादियों या पार्टियों में खाया होगा। बहुत ही रिच ग्रेवी वाली ये सब्जी बनकर तैयार होती है। तो आज इस सब्जी को हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही जबरदस्त ये सब्जी बनकर तैयार होती है। वैसे भी होली का त्यौहार आ रहा है और ऐसे में घर में रिश्तेदारों और मेहमानों का तो आना लगा ही रहता है, तो आप उन्हें ये सब्जी बनाकर खिलाइए और सबकी तारीफ पाइए। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पनीर मखाने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को इस तरह से ये छोटे छोटे पीसों में मैंने काट लिया है। तो आप अपनी मनपसंद शेप में पनीर को काट कर तैयार कर लीजिए। साथ में यहाँ पर कटोरी से ये 2 कटोरी मखाने लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को यहाँ पर मेल्ट होने देंगे क्योंकि हम घी में यहाँ पर मखानों को रोस्ट करेंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब यह मखाने पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और मखानों को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक हमारे मखाने अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। ये देखिए, मखानों को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इन मखानों को हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक मखाने को हाथ में लेंगे और इस तरह से तोड़ कर देखेंगे। देखिए आसानी से टूट रहा है और ये देखिए आसानी से ये चूरा चूरा हो गया है। तो मखाने हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो गैस को ऑफ करेंगे और मखानों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने फिर से उसी पैन को गैस में रख दिया है। इसमें डालेंगे यहाँ पर तेल। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और हमने जो ये पनीर के पीस काट के रखे हुए हैं इन्हें हम पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस पनीर को हम यहाँ पर हल्का सा फ्राई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बिना फ्राई किए हुए भी पनीर को सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पनीर को फ्राई कर देने से सब्जी में इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे इस तरह से हिला लेंगे एक दो बार ताकि ये नीचे से जले ना। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर पनीर को फ्राई नहीं किया है, हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए ये पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। आप यहाँ पर पनीर को निकाल कर हल्के गुनगुने गर्म पानी में डाल दीजिए ताकि पनीर हमारा सख्त ना हो और सॉफ्ट ही बना रहे। अब पनीर फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया था उसे मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 1 तेज़पत्ता लिया है, उसे तोड़कर यहाँ पर तेल में डाल दिया है। 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 छोटी इलायची और साथ में 1/2 चम्मच जीरा। इन सारी चीज़ों को हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को एकदम बारीक बारीक काट कर लिया है, तो इन्हें भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर प्याज को यहाँ पर हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो जब तक प्याज हमारा यहाँ पर भूनता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 मिक्सी का जार और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मोटा मोटा काटा है, तो इन्हें मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ में ली हैं 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 टुकड़ा अदरक का, 3 हरी मिर्च और 10 से 12 काजू। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन सारी चीज़ों का एकदम महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को एकदम महीन पीस कर तैयार कर लिया है। तो अपने प्याज को भी एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए इधर प्याज भी हमारा भून चुका है। बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, नहीं तो सब्जी में कड़वाहट आ जाती है। तो प्याज को इसी तरह से हम भूनेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, जिससे प्याज की जो मिठास है वो बनी रहे। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्सी के जार में टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट चिपका हुआ था, तो थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी कढ़ाई में डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे ताकि टमाटर के साथ हमारे मसाले भी अच्छे से सारे पक जाएं। तो मसालों में लिया है मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल हम पहले भी सब्जी में कर चुके हैं। और यहाँ पर लिया है 1 चम्मच कसूरी मेथी, तो इसे इस तरह से हाथों से रगड़ कर डालेंगे तो इसका टेस्ट सब्जी में बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में लिया है स्वाद अनुसार नमक, तो मैंने 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा नमक और लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे
और अब इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इनसे तेल अलग नहीं हो जाता है। तो लगातार चलाते हुए इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इनसे किस तरह से ये तेल ऊपर आ चुका है। तो टमाटर का जो हमने पेस्ट डाला था वो भी हमारा अच्छे से पक चुका है और मसाले भी हमारे सारे बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। ये देखिए पूरा तेल मसालों से यहाँ पर अलग हो गया है। तो ग्रेवी को और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 चम्मच दूध की मलाई। तो इसे भी हम मसालों में डाल देंगे और इसे भी मसालों के साथ यहाँ पर अच्छे से पकाएंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी और सब्जी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो मलाई डालने के बाद एक बार मसालों को फिर से अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए मलाई डालने के बाद मैंने मसालों को एक बार फिर से अच्छे से पका लिया। ये देखिए इनसे पूरा तेल ये अलग हो गया। और अब देखिए जो हमारे मसाले थे उनका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। बहुत अच्छे से मसाले भुनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो आपको ग्रेवी को जितना गाढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पानी ऐड कर लीजिए। लेकिन इस सब्जी में यहाँ पर पानी कम ही पड़ता है तो आप कम ही पानी डालिएगा। मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी यहाँ पर डाला है। अब हम यहाँ पर ग्रेवी को ढककर पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती है। तो यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से पक चुकी है। अब देखिए ग्रेवी का कलर यहाँ पर कितना अच्छा आया है। तो हमने जो ये सब्जी में खड़े मसाले डाले थे इन्हें हम निकाल लेंगे क्योंकि इनका पूरा फ्लेवर सब्जी में आ चुका है। और ऊपर से डालेंगे आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो मखाने फ्राई करे हुए थे इन्हें हम सब्जी में डालेंगे और इसी के साथ ये पनीर भी, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम ढक कर फिर से सब्जी को यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मखाने हमारे यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से पनीर में और मखानों में आ जाए। सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए कितनी ज़बरदस्त ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। आपको सब्जी का कलर देख कर ही पता चल रहा होगा। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बनी है ना एकदम ज़बरदस्त सब्जी। जब मैंने ये सब्जी बनाकर घर में सबको खिलाई तो सबने मेरी तो बहुत ही तारीफ़ की। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये सब्जी। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार हुई थी। तो गैस को ऑफ करते हैं और सब्जी को मैंने यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप इस होली एक बार इस सब्जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।